हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल जे कॉर्डोवा। रिसेंटली इंडिया में महिंद्रा ने अपनी थार को लॉन्च करा है अपडेट करके, और मार्केट में रीलॉन्च होने के बाद न्यू जनरेशन थार ने काफ़ी बढ़िया परफॉर्म करा है। थार एक 5 सीटर कार है, लेकिन जिन लोगों को 7 सीटर कार लेनी हो उनके लिए थार थोड़ी छोटी लगने लगती है। तो जल्द ही महिंद्रा अपनी न्यू 5-door 7-seater थार को मार्केट में शोकेस कर सकती है, जिसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जनवरी के ऑटो एक्सपो में शोकेस किया जा सकता है। अभी के टाइम में मार्केट में मिलने वाले महिंद्रा थार लैडर ऑन फ्रेम चैसिस पर बनी है, और इसी प्लेटफॉर्म पर स्कॉर्पियो जैसी कार को भी बनाया गया है। तो आने वाली ये नई 7-seater 5-door महिंद्रा थार होगी, इसे भी सेम इसी प्लेटफॉर्म पर बनाया जाएगा, लेकिन इस गाड़ी का डिजाइन और प्लेटफॉर्म थोड़ा सा एक्सटेंडेड होगा ताकि इसमें हमें ज़्यादा स्पेस मिल जाए। बाकी इसके एक्सटीरियर की बात करें तो इसकी लुक्स काफ़ी हद तक 5-seater महिंद्रा थार के जैसे ही मिलते जुलते हमें मिलेंगे, और इसमें हमें ज़्यादा चेंजेस नहीं मिलने वाले हैं। अंतर इसमें हमें सीटिंग स्पेस का ही देखने को मिलेगा और इसके डायमेंशंस में मिलेगा। इंजन ऑप्शंस में एक्सपेक्टेड है कि महिंद्रा इसमें 2.2 लीटर का 4-cylinder MHOG का डीजल इंजन ऑफर करे, और पेट्रोल इंजन के ऑप्शन में 2.0 लीटर का 4-cylinder M-Stallion पेट्रोल इंजन ऑफर करे। ये दोनों ही इंजन अभी हमें थार और स्कॉर्पियो में देखने को मिलते हैं, लेकिन साइज और डायमेंशन ज़्यादा होने की वजह से इसका साइज़ बड़ा हो जाएगा, तो उसमें हमें पावर और टॉर्क आउटपुट में चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। बाकी इंटीरियर की बात करें तो इंटीरियर में भी हमें कुछ ज़्यादा बड़े चेंजेस नहीं देखने को मिलेंगे, एज रेगुलर थार के जैसा ही इस गाड़ी का इंटीरियर होगा। लेकिन महिंद्रा इसे थोड़ा प्रीमियम मॉडल के तौर पर मार्केट में लॉन्च कर सकती है, तो हो सकता है कि महिंद्रा इसमें कुछ प्रीमियमनेस के लिए इसमें थोड़े प्रीमियम कम्फर्ट एंड लग्जरी फीचर ऐड कर दे। वैसे फ्रेंड्स, क्या अभी 5-door 7-seater महिंद्रा थार का मार्केट में वेट करेंगे, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो फिर लाइक कर देने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।